बारकोड ले लो, बारकोड किसी भी प्रोडक्ट पे बारकोड लगवा लो भैया, ₹10। सो गाइस, मार्केट में कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो हर प्रोडक्ट के नीचे आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर के नंबर्स मिलेंगे, इसको बोला जाता है बारकोड। लेकिन रुको रुको, कभी सोचा है आपके घर में जितने प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट के बारकोड 890 से ही क्यों स्टार्ट होते हैं? कंपनियां लाखों लाख रुपए देती है एक एक बारकोड खरीदने का, किसको? सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिडटॉक। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो भैया, घुमा फिरा के बोले तो एक नॉर्मल बारकोड जो है उसके अंदर 95 लाइंस होती हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर की रहती हैं। उसमें से पहले तीन लाइन जो है वो दिखेगी इस तरह, सेंटर की तीन लाइन दिखेगी इस तरह, और लास्ट की तीन लाइन दिखेगी इस तरह। इस तरीके से जो हमारा बारकोड है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग लाइनों में। अब जो सेंटर की लाइन है उसके लेफ्ट साइड देखोगे तो 42 लाइंस आपको मिल जाएंगी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की। इसी तरह सेंटर वाली लाइन के राइट साइड में भी 42 लाइंस रहेंगी। तो बची हुई 84 लाइंस जो है वो बनाती है अलग अलग टाइप के नंबर्स। अभी जो 84 लाइंस है उसमें से अगर हम एक पार्ट देखें 42 लाइंस का, इसको अगर हम 7-7 लाइंस में डिवाइड कर दें तो हमको 6 ब्लॉक्स मिल जाएंगे। एक एक ब्लॉक को हम अलग अलग नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर जो 7-7 लाइन के जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, हर ब्लॉक को अलग अलग तरीकों के नंबर बनाए जा सकते हैं। जैसे 0 को देखेंगे तो दिखेगा इस तरह, 1 दिखेगा इस तरह, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे हो गए लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक के लिए। अगर हम राइट साइड वाले ब्लॉक के अंदर नंबर्स देखें तो 0 दिखेगा इस तरह, 1 दिखेगा इस तरह, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप गौर से देखोगे तो लेफ्ट साइड का 0 और राइट साइड का 0 दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह अगर हम अच्छे से कंपेयर करें तो 0 दोनों के दिखेंगे इस तरह, 1 दिखेगा इस तरह, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको अगर आप बिल्कुल गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो लेफ्ट साइड के नंबर्स बन रहे हैं उसके अंदर जो वाइट स्पेस आ रहा है वो आ रहा है इवन नंबर का, और जो राइट साइड के नंबर बन रहे हैं उसके अंदर जो वाइट स्पेस आ रहा है वो आ रहा है ऑड नंबर का। ये बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि जो हमारा स्कैनर है उसको पता कैसे चलेगा उसको लेफ्ट से राइट रीड करना है या राइट से लेफ्ट रीड करना है। यानी कि अगर एक बारकोड हम किसी एक प्रोडक्ट पे पेस्ट कर दें, अब उसको पता कैसे चलेगा हमने उसको सीधा पकड़ा है हमने उसको उल्टा पकड़ा है? तो उसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग करी है कि जैसे अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 जो है लेफ्ट साइड में, उसके अंदर हम अच्छे से देखें तो वहां पे आते हैं 2 वाइट स्पेस, और 6 जो है राइट साइड वाला उसमें अगर हम देखें तो यहां पे देखने को मिलेंगे 5 वाइट स्पेस। इससे स्कैनर को ये पता चल जाता है भाई अगर वाइट स्पेस पहले वाले नंबर्स में इवन आ रहे हैं तो मुझे लेफ्ट से राइट स्कैन करना है, और अगर ऑड आ रहे हैं तो भैया मुझे राइट से लेफ्ट स्कैन करना है। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया गया है, और ये पूरा बारकोड का जो सिस्टम है ये बनाया है एक कंपनी ने जो उसको मेंटेन करके चल रही है, जिसका नाम है GS1, जिसको बोलते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। ये एक तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अलग अलग तरीके के बारकोड बनाए, एक स्टैंडर्ड बना दिया और पूरे वर्ल्ड में सबको अलग अलग नंबर असाइन कर दिए। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो ये जो कंपनी है GS1, इसने अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग सीरीज के नंबर जो है वो अलॉट कर दिए। अगर आप गौर से देखोगे तो 1 से 19 के बीच में अगर स्टार्ट होता है नंबर बारकोड का तो वो मिला है USA को। इस तरह अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग नंबर मिले हुए। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो उसको मिला है 890 की सीरीज का नंबर। मतलब 890 तो आएगा ही आएगा, उसके पीछे पूरा बारकोड का नंबर आएगा। तो इस GS1 ऑर्गेनाइजेशन से ही हमको सारे बारकोड खरीदने पड़ते हैं, जितनी भी कंपनी है अच्छा खासा पैसा इसको देना पड़ता है। तो जो बारकोड है उसका फॉर्मेट ऐसा रहता है, आगे रहेगा 890 अगर आप इंडिया की बात करें, उसके बाद आता है कंपनी का कोड, उसके बाद आता है बारकोड का नंबर। मतलब आपकी कंपनी में ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आपने कंपनी का कोड छोटा ले लिया, उसके पीछे बहुत सारी डिजिट्स जो हैं वो आपने डायनामिक ले ली, तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो। तो यहां पर अच्छी खासी मोटी मोटी कमाई होती है GS1 की। तो यहां पर जो कंपनी है वो जो पैसा देती है GS1 को वो पूरा मेंटेनेंस में जाता है, सारी चीजें मेंटेन करके चलते हैं। तो यहां पे पैसे आप देखोगे तो 1000 से 1,00,000 रुपए तक लग जाता है एक एक बारकोड खरीदने का। अब देखो जो बारकोड है वो हर प्रोडक्ट पे तो लगा हुआ है, हम कैसे सर्च करें कि भाई ये प्रोडक्ट का बारकोड किस कंपनी को अलॉट हुआ था? तो यहां पे GS1 ने खुद अपना एक डेटाबेस दिया हुआ है, एक्सेस दी हुए, तो आपको एक वेबसाइट पे जाना है। सो गाइस, ये है वो वेबसाइट जहां पे आपको आना है, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पे सिंपल आपको आपके प्रोडक्ट का बारकोड नंबर जो है वो टाइप करना है। यहां पे सिंपल टाइप करके ओनरशिप पे क्लिक करके आप सर्च दबाएंगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो बारकोड है वो किसको अलॉट हुआ है सारी चीजें आ जाएंगी। यहां पे देखिए हिंदुस्तान लीवर का नाम आ गया है, कब इसको अलॉट हुआ है, कब आखिरी बार चेंज हुआ है, इनका क्या एड्रेस है,
किसके नाम पे किसने इसको अलॉट करवाया है, सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट पे आके मिल जाएगी। तो आपके घर में जितने प्रोडक्ट हैं एक एक बार आके यहाँ पे सर्च करिए, अगर 890 से वो प्रोडक्ट का बारकोड स्टार्ट नहीं होता है तो उसका मतलब है वो हो सकता है उनने उनके लेवल पे बनाया हो, उसको सेंट्रल अथॉरिटी, उसको इस GS1 अथॉरिटी से नहीं खरीदा है। तो आप ये कर सकते हो, आपके खुद का घर का बारकोड भी बना सकते हो, लेकिन वो सिर्फ अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अगर आपको कहीं सेल करना है या कहीं पर आपको बेचना है या कुछ करना है तो आपको फिर GS1 से बारकोड खरीदना ही पड़ेगा। और जो भी जब भी बारकोड खरीदता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पे आके सर्च करके आप सारी चीजें यहां पे पता कर सकते हैं। सो गाइस, यहां पे आपका सबसे बड़ा डाउट होगा कि भाई आपने सब कुछ बता दिया, बारकोड कैसे रीड करना है, कहां से खरीदना है, लेकिन बात तो ये आती है बारकोड की जरूरत ही क्यों है। तो देखो, जब बहुत पुरानी बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते थे उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी, पर हमको पता नहीं चलता था कौन सा प्रोडक्ट कहां पे जा रहा है, क्या हो रहा है, उसकी क्या डिटेल है। तो बारकोड की वजह से सब कुछ ऑटोमेशन में हो गया। बारकोड को खुद से स्कैन करो, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। अब देखो, जो बारकोड है इसके अंदर सिर्फ आप नंबर ही स्टोर कर सकते हो। इसके बाद एक टेक्नोलॉजी और है जिसको बोलते हैं QR कोड, जिसके अंदर आप टैक्स और बहुत सारी चीजें भी स्टोर कर सकते हैं, वो देखेंगे किसी और वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है बारकोड से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए सिड टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।